नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर नगर निगम के गैराज विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते ना जाने कब शहर में कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, इससे तो स्वयं गैराज के जिम्मेदार अधिकारी भी अवगत नहीं है। निगम के ठीक सामने टाउन हॉल में गैराज विभाग के अधिकृत कार्य क्षेत्र में आने वाला पानी का एक सुंदर पौंड है, जिसमें कभी गैराज की निविदा के तहत मिली स्वीकृति के अनुरूप ठेकेदार नाव का संचालन करता था। ठेका समाप्त हुए एक लंबा समय बीत गया है और अभी भी ठेकेदार ने इसी परिसर को ही अपने नाव रखने का गोदाम बना लिया है। ठेका समाप्ति के बाद भी दो नावें बाहर तो दो नावें पानी के पौंड में पड़ी हुई है। यह नावें कभी पानी के बीच में चली जाती है तो कभी किनारे पर आ जाती है। निगम परिसर में कपड़ों का एक बाजार लगा हुआ है और उन्हीं दुकानदारों के बच्चे बिना किसी सुरक्षा के बोटिंग कर रहे हैं, जो कभी खड़े हो रहे हैं तो कभी मस्ती भी कर रहे हैं, और जब कोई जिम्मेदार है ही नहीं तो सुरक्षा जैकेट की बात करना ही अनुचित हो जाएगा। ऐसे में नगर निगम के गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी से बात की, तो पहले तो आप यह सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मनोहर जी, कपीश बोल रहा हूँ। हाँ कपीश जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि टाउन हॉल पॉन्ड के अंदर जो नावें रखी गई है उनका कोई टेंडर हुआ है या नहीं हुआ है? ये क्या, पहले जो अपने ठेकेदार था ना, जिसका अपन ने टेंडर निरस्त कर दिया उसके अव्यवस्था के कारण, क्या उसी की नाव पड़ी है? अपन ने उसको नोटिस भी दे दिया, इसको भाई आप हटा लो इसको। आपको ये पता होगा शायद कि दो तीन दिनों से यहाँ पे जो लुधियाना बाजार जो लगा हुआ है, इसके बच्चे दोनों ही नावों को चला चला कर घूम रहे हैं और यहाँ के आने वाले पर्यटक भी अंदर बैठ के घूम रहे हैं और नावें चला रहे हैं, और कोई हादसा हो गया तो आप ठेकेदार तो जिम्मेदार होगा नहीं, क्योंकि आपने नोटिस भी दे दिया है। क्यों नहीं, नोटिस अपन दे चुके हैं उसको, तीसरा नोटिस भी दे चुके हैं, नहीं तो हमारे हम इसको हटाएंगे, उसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। क्या ये भी अपन उसको दे चुके हैं, भाई तू तेरी नावें हटा के यहाँ से ले जा। क्यों अपन अब इस पे नाव चलाने के ठेका करने वाले नहीं है। अच्छा, हाँ नहीं तो जैसे अभी तक इसका टेंडर जो निरस्त हो गया उसको कितना टाइम हो गया? उसको तो हो गया होगा करीब 6-1 महीने हो गए होंगे। तो 6 महीने में भाई साहब तो नावे वेद देनी चाहिए, नीलाम कर देनी चाहिए, ये तो अवैध हो गया ना एक तरह से। और दूसरा, ये एक बच्चे जो चला रहे हैं वो बहुत छोटे बच्चे हैं और कहीं पानी में पौंड में गिर गए, तो इसका जिम्मेदार ठेकेदार या निगम? तुरंत इस पे कार्रवाई करके, और इसको अभी नहीं तो अपन ने देख दिया, नहीं तो लास्ट नोटिस दे दिया हमने, क्या 3 नोटिस देने पड़ते हैं, तीसरा नोटिस भी दे चुके हैं, नहीं होगी भी दिखवा देता हूँ मैं लास्ट नोटिस दिए कितने टाइम हुआ, नहीं तो इसको अपने स्तर पे हटवा के बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर भी निकालने के बाद भी एक नाव तो ऑलरेडी, दो नावे तो बाहर पड़ी है ना? दो नावे तो बाहर पड़ी है, दो अंदर है। अपन इसको लाके वहां जैसे उसको निकाल के अपने अपने जो स्टोर रूम है ये बंगारगंज रख रखा उसमें डालेंगे और क्या है। नहीं तो अभी हाल फिलहाल जो हो रहा है, ये बच्चे चला रहे हैं और जो आ रहा है वो इसके अंदर बैठ के चला रहा है, और कोई भी घटनाक्रम हो गया इसका जिम्मेदार ठेकेदार या निगम? नहीं वैसे तो अभी तो क्या ठेकेदार और निगम नहीं है, ठेकेदारी इसकी है भी है, भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। तो मतलब ठेकेदार को ये जिम्मेदारी दे रखी है, आप नावे छोड़ दो और कोई भी व्यक्ति घटना घटना? नहीं नहीं, हटाने की जिम्मेदारी, उसको हटाना, उसका कैंसिल कर दिया है, उसको हटाना नहीं होगी तो अपन अपने हटाएगी भाई, नियमों के विरुद्ध जाने पे नावे जब्त कर ली जाएगी, ये बात तो सही है। लेकिन बात ये हो रही है कि अभी वर्तमान में जो नोटिस का खेल खेला जा रहा है उसमें किसी की जान चली गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं वो तो खैर ही है, देखो जिम्मेदार तो अभी भी वो ठेकेदार इसलिए है कि अपन ने उसको कह चुके हैं, उसका कैंसिल कर चुके हैं, उसको हमारे नियम के अनुसार उसने 2 नोटिस दे दिए, तीसरा नोटिस भी दे दिया, तो उसके अनुसार अब तीसरे नोटिस के बाद हमारी कार्रवाई हो सकती है उस पर। मतलब फिलहाल अभी कोई भी घटित घटना हो सकती है तो उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, इसको अभी दिखवा देते हैं, इसको अभी हो सके तो इसको निकलवा दो, क्योंकि मैं इसको खबर लगा रहा हूँ और अभी पूरे विभाग में मैंने सबसे पूछा तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा, जबकि बच्चों से भी मैंने पूछा ना, जब बच्चे बोल रहे हैं मेरे पास कि हमने यहाँ पर एक पुलिस की ड्रेस में तो उनको 20-20 रुपए दिए। पुलिस की ड्रेस में तो होमगार्ड होगा और जो भी होगा ना, उससे क्या मतलब है, लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना कि हम रोज 20 रुपए देते और चलाते हैं। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसे तो चलाते तो नहीं है, अगर ऐसी चल रही है अभी चल रही है ना, मैं अभी भी अंदर ही खड़ा हूँ ना, अभी भी पर्यटक चला रहे हैं, अब बच्चे को निकाल दिया मैंने, भगा दिया तो पर्यटक चला रहे हैं। अभी मैं बात अभी अभी करते हैं, बात दिखते हैं, अभी कार्रवाई करवाते हैं। ठीक है, मैं यही खड़ा हूँ, देखता हूँ।
तो आपने सुना है कि जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी निभाते हुए सारा मसला ठेकेदार पर डालते हुए कैसे अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटक लिया। हालांकि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों को नाव ना चलाने की बात को समझाते हुए बाहर निकाल लिया, लेकिन समय रहते उचित कार्रवाई ना हुई तो यह गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले किसी के घर का चिराग बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और शुरू हो जाएगी तो राजनीति कि हमने तो ठेकेदार को 3 बार नोटिस जारी कर दिए हैं। मैं सेवादल जिला अध्यक्ष कौशल आमेटा आज दिन को निगम के बाहर गार्डन के अंदर जो हालत देखी है, कुछ बच्चे नाव चला रहे थे, अभी 2 दिन पहले फतेहगढ़ पर दुर्घटना होते होते बची है, और अगर निगम की नाक के नीचे अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है, कल कोई बच्चा मर गया या गिर गया, तो उदयपुर जहाँ निगम बड़े बड़े दावे करती है, निगम की उदयपुर की सरकार निगम के हवाले है, अगर कोई बच्चा मर गया या कुछ हो गया तो निगम ही जिम्मेदार रहेगी। भले अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, उदयपुर में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन निगम की नाक के नीचे क्या हो रहा है निगम के अधिकारियों को देखना चाहिए। और मेरी यही विनती है निगम के अधिकारियों तक समय देते ऐसी जानकारी रखे कि निगम के बाहर क्या हो रहा है, तो बड़ी दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। धन्यवाद।